हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंसान हो या जानवर, गांव में कोई नहीं रहेगा भूखा, हिंदू मुस्लिम एकता का दिखा प्रतीक। बांकली गांव में जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन फेज 3 में अब तक गांव की जन कल्याण जागरूक संस्थान की प्रेरणा से भामाशाह बगाजी लालाजी बावरसा जैन परिवार द्वारा गायों के लिए 4 क्विंटल लापसी बुधवार को बनाकर गुरुवार सुबह महावीर गौशाला, आखलिया चौक एवं कबीर गौशाला में गायों को लापसी खिलाई जाएगी। गाँव में मनुष्य हो या पक्षी, कोई भी इस महामारी में भूखा नहीं रहेगा, जिसको लेकर रात दिन संस्थान के वॉलंटियर कार्य में लगे हुए हैं। जहां पर गायों के लिए पूर्व में भी लापसी की व्यवस्था की गई, वह भैरू जी के भक्तों के लिए चूरमा की व्यवस्था की गई, तो वहीं अभी बुधवार को 4 क्विंटल लापसी व 4 क्विंटल चूरमा, जो लापसी गायों के लिए, चूरमा भैरू जी के भक्त कुत्तों के लिए गुरुवार सुबह खिलाया जाएगा। जहां पर आज बांकली भूलूपुरा में भी कुत्तों को चूरमा खिलाया जाएगा। इस कार्य में संस्थान संरक्षक लक्ष्मण सिंह देवड़ा, वरिष्ठ कलाराम भारद्वाज, वसनाराम राठौड़, गौ भक्त जगदीश कुमार गर्ग, मोटाराम देवासी, भाई बवरलाल घाची, डूंगाराम, मंछाराम मीणा, कांतिलाल सुतार, गोपाल मेघवाल, समेलाराम देवासी, सालूराम देवासी, कसनाराम देवासी, विक्रम कुमार देवासी का इस कार्य में सहयोग रहा। हिंदू मुस्लिम एकता का दिखा प्रतीक जन कल्याण जागरूक संस्थान 36 कौम की संस्थान है, जहां पर हिंदू हो या मुस्लिम, इस संस्थान में हर समय जब भी कोई कार्य होता है तब एकता का प्रतीक दिखता है। जहां पर संस्थान में अल्पसंख्यक मोहम्मद नजीर खान सिलावट, जो संस्थान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे कोरोना महामारी में रात दिन कार्य में डटे रहे हैं, जिससे ये एक हिंदू मुस्लिम का प्रतीक चरितार्थ होता दिखाई दिया। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।